बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स बिजनेस लॉ का लेक्चर बी बी सेक्शन ए और बी के लिए कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन के साथ तो ये जो लेक्चर है आपका बेसिकली फैक्टर्स एक्ट 1934 से रेलिवेंट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री का ताल्लुक है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के साथ और इसमें जो तो रेलिवेंट कर सकते हैं जो relevant st statutes हैं, आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे जैसे कि ये इनके लिंक्स यहाँ पे दिए हैं इन लिंक्स के थ्रू जो है वो आप अपना लेक्चर आप अपने जो स्टेच्यूट है इसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं

बेसिकली इस लेक्चर में वो पेश की गई है, बात, ये है. में या फैक्ट्री के मैनेजर को सेक्शन थर्टीन में ये कहा गया है कि जो क्लीनलीनेस है उसका ध्यान रखा जाएगा और क्लिनलीनेस जो है वो ऐसे फैक्ट्री को साफ रखा जाएगा और उसको हर किस्म की जो स्मेल है उसे फ्री किया जाएगा और किसी भी किस्म की जो स्मेल है ताकि वर्कर्स जो हैं काम करने के दौरान वो लोग डिस्टर्ब ना हो यहाँ पे देखें आप के जो एकोमोडेशन है डर्ट की या रिफ्यूज की उसको डेली बेसिस पे जो है वो रिमूव किया जाएगा ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते के बाद सफाई होगी या महीने के बाद बल्कि डेली बेसिस पे उसकी सफाई होगी स्वीपिंग वगैरह होगी और जो फैक्ट्री के फ्लोर्स हैं या बेंचेस हैं या वर्क रूम्स हैं या जो स्टेज हैं उनको डेली बेसिस पे साफ किया जाएगा। Secondly, जो फ्लोर है हर वर्क रूम का उसको भी साफ किया जाएगा वीक में एक मरतबा यानी जो फ्लोर का वर्क रूम है वो वीकली एक मरतबा साफ किया जाना जरूरी है और वेयर फ्लोर इज लाइबल टू बिकम वेट इन कोर्स ऑफ एनी मैनुफेक्चरिंग जहां पे जो फ्लोर है वो गीला हो जाता है मैनुफेक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान तो उस दौरान ड्रेनेज के हवाले से इम्पोर्टेंट मेजर्स जो हैं वो डॉप किए जाएंगे पानी को वहां से साफ करने के जो है वो इंतजाम किया जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं कि हर किस्म की जो वॉल्स हैं पार्टीशन हैं सीलिंग्स हैं या रूम के जो टॉप्स हैं और जो वॉल्स हैं उनको भी जो है उसके सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा और मस्ट किया जाएगा इनको रिपेंट किया जाएगा सीलिंग्स को, रूफ को, या rooms के जो हैं और वॉल्स को उनको वार्निश किया जाएगा या उनको रिपेंट किया जाएगा पांच साल में एक मरतबा ये जरूरी होगा एंड वाइट वॉश एट लीस्ट वंस इन एवरी फोर्टीन मंथ्स और वाइट वॉश जो है 14 में एक मरतबा किया जाना जरूरी है। Next, हमारे जो clause है, जिसके हम हम डिस्कस करेंगे, करेंगे। जो भी फैक्ट्री प्रोसेस uh, के दौरान जो वेस्ट होती है या जो एफंट होते हैं यानी जो लिक्विड uh, की शक्ल में कोई ऐसा मवाद है उसको जो है डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जाएगी जैसा कि आप इस पिक्चर में देखें ये है फैक्ट्री किया जाएगा 15 की हम देखते हैं वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर से रेलिवेंट है फैक्ट्री का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाएगा बेहतर ताकि लोग वहां पे काम करने के दौरान डिस्टर्ब ना हो बीमार ना पड़ जाए और उसके लिए एडिक्वेट वेंटिलेशन का इंतजाम किया जाएगा ताकि जो फ्रेश एयर है वो सर्कुलेट करे और उसमें सिक्योर किया जाएगा सूटेबल टेम्परेचर ताकि हर किस्म के जो इंजरी है हेल्थ से रेलिवेंट वो इंजरी फेस ना करनी पड़े वो कॉज ना हो किसी भी वर्कर को और इसके अलावा डस्ट एंड फ्यूम है सेक्शन 16 के मुताबिक और हर फैक्ट्री में ये कोशिश की जाएगी ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे कि जो डस्ट है फ्यूम है वो अकोमोलेट ना हो इकट्ठी ना हो किसी वर्क रूम में ताकि उसकी इनहेलेशन की वजह से यानी सांस के जरिए जो है वो वर्कर के फेफड़ों तक ना पहुंचे और उसको नुकसान ना पहुंचाए तो इसलिए ये कोशिश की जाएगी कि डस्ट और जो फ्यूम है फ्यूमिन कोई उसमें जो बदबू वगैरह है वो नहीं होने चाहिए बल्कि फैक्ट्री में जैसा कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए और इसी तरह ये जो डस्ट और फ्यूम है उससे वर्कर्स को बचाया जाना जरूरी है नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 17 उसमें आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन को डिस्कस किया गया है परमिश गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि इसके हवाले से वो रूल्स प्रिस्क्राइब करे और वो रूल्स प्रेस्क्राइब कर सकती है कि वो बता सकती है कि जो ह्यूमिडिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं ताकि वहाँ पे हब जो है वो ऐसी हाल ना पैदा हो वर्कर्स के लिए इसी तरह जो प्रोविशल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है ऐसे मेथड्स को जहाँ पे आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग होती है ह्यूमिडिटी एयर की उस हवाले से भी जो है वो रेगुलेट कर सकती है रूल्स फ्रेम कर सकती है और उन मामला को ऐसे बना सकती है प्रेस्क्राइब कर सकती है प्रोविशल गमेंट

मुमकिन हो सके और जो हवा है वो ठंडी हो सके लफ्जों में अगर बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा हबस है तो वहां पर ठंडी हवा सकेयर इन दर्क रूम सिंपल वर्ड्स में उनको uh, जो है एयर कंडीशन की फैसिलिटी दी जा सकती है या एयर कूलर की या ऐसी हवा ठंडी की फैसिलिटी दी जा सकती है जिससे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन को रिमूव करने में आसानी हो सेक्शन 18 में ओवरक्राउडिंग का जिक्र है कि जो ओवरक्राउडिंग है वो नहीं होनी चाहिए अगर ओवरक्राउडिंग होगी तो उससे काम करने वाले लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं जैसे कि इस तस्वीर को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी ओवरक्राउडिंग नजर आ सकती है तो ओवरक्राउडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए बल्कि वर्क प्लेस जो है उनमें जरूरी है कि 500 क्यूबिक फीट जो है स्पेस है हर वर्कर को फैक्ट्री में मिले यानी इतनी स्पेस एटलीस्ट एक वर्कर के लिए होनी चाहिए कि 500 क्यूबिक फीट सेक्शन 19 में लाइटिंग का जिक्र है कि हर फैक्ट्री में जो है वो सफिशिएंट और सूटेबल लाइटिंग होगी वो लाइटिंग नेचुरल भी हो सकती है आर्टिफिशियल भी हो सकती है और बोथ दोनों का भी जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है नेचुरल uh, लाइटिंग से मुराद ये है कि उसके जो ऐसा इंतजाम किया जाए दरवाजे या विंडोज वगैरह ओपन की जाए या और इस तरह के मेजर्स एडोप किए जाए कि जो सूरज की रोशनी है वो आए और उसे दिन की रोशनी को जो है यूटिलाइज किया जा सके आर्टिफिशियली भी जैसा कि आप जानते हैं लाइट्स हम अगर वो फैक्ट्री कवर्ड है बंद है तो लाइट्स वगैरह हम ऑन कर सकते हैं ठीक और ये बहुत इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री फैक्ट्री एरिया है फैक्ट्री का और यहाँ पे जो है आर्टिफिशियली लाइट्स जो है ये ऑन करके रोशन किया गया है नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन ट्वेंटी में ड्रिंकिंग वाटर का जिक्र है तो साफ और पीने वाला जो पानी है प्रॉपर वो वर्कर्स तक पहुंचना चाहिए और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ होलसम ड्रिंकिंग वाटर यानी होल का मतलब होता है जो सेहत के लिए मुफीद हो और ये वर्ग खाने पीने के के लिए ज्यादातर यूज़ होता है खाने पीने के लिए मुफीद यानी पीने के लिए मुफीद पानी जो है ये वर्कर्स की पहुंच में होना जरूरी है और जहां पे 250 वर्कर्स काम करते हैं तो वहां पे जरूरी है कि उनको ठंडा पानी जो है वो वर्कर्स को मयसर हो और ठंडा पीने का जो पानी है वो मैसर हो गर्मियों में जब काफी ज्यादा हॉट वेदर जो है वो होता है उस वक्त उनको ठंडा पानी लाजमी तौर पर मैसर होना चाहिए जहाँ पे टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं सेक्शन ट्वेंटी वन जो है ये वॉशरूम्स वगैरह से रेलिवेंट है कि मेल और फीमेल के लिए अलग वॉशरूम्स होने चाहिए किसी भी फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और स्पिटून्स जो हैं ये भी होने चाहिए और हाइजेनिक की जो कंडीशंस हैं ताकि उनको प्रॉपर तौर पर मेंटेन रखा जाए ये वॉशरूम वगैरह की है पिक्चर और ये आप स्पिटून्स देख सकते हैं जहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंका जाए या जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे कूड़ा वगैरह जो है वो फेंका जा सकता है या अगर थोकने की जरूरत पेश है तो यहाँ पे जो है वो थूका जा सकता है तो ये स्पीडोस जो है ये होने चाहिए फैक्ट्री के अंदर इसी तरह प्रिकॉशंस जो हैं वो कॉन्टेज और इन्फेक्शन डिजीज के लिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स एडोप करना जरूरी है किसी फैक्ट्री के लिए वो हाइजीन कार्ड बना सकते हैं जिसको आप सिंपल वर्ड्स में हेल्थ कार्ड भी कह सकते हैं फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और वो हेल्थ कार्ड जो है इसको अपडेट किया जाएगा साल में दो मरतबा साल में दो मरतबा किन महीनों में अपडेट किया जाएगा ये अपडेट किया जाएगा जनवरी में और जुलाई के मंथ में एवरी ईयर हेल्थ कार्ड या हाइजीन कार्ड जो है ये एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई जो है उसको अपडेट किया जाएगा फैक्ट्री की इंतजामिया की जनब से यानी फैक्ट्री के ओकोपायर या फैक्ट्री के मैनेजर की तरफ से और इसमें इस के लिए डॉक्टर को अपॉइंट किया जाएगा और डॉक्टर जो है वो उनका एग्जामिन क्या करेंगे उनके फिटनेस के हवाले से और ये जो एग्जामिनेशन है मेडिकल एग्जामिनेशन ये वर्कर्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उनसे कोई कॉस्ट चार्ज नहीं की जाएगी बल्कि इनके जो कॉस्ट है एग्जामिनेशन की ये बियर करेंगे जो एम्प्लॉयर है उस फैक्ट्री के वो बियर करेंगे और अगर किसी वर्कर को के बारे में पता चल जाता है कि उसको कोई कंटेजस या इंफेक्शस डिजीज है एग्जामिनेशन के दौरान तो उसको जो है काम करने के लिए फिर वहां पे नहीं रखा जाएगा अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो ऐसी बीमारी से ठीक नहीं हो जाता है उसकी रीजन ये है कि वो बीमारी और दूसरे जो वर्कर्स हैं वहां तक मुंतकिल ना हो और दूसरे जो वर्कर्स हैं वो उस बीमारी की वजह से तंग ना हो इस हवाले से ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं इनको एडॉप्ट किया गया है नेक्स्ट है सेक्शन 23 क्लॉज ए उसमें ये कहा गया है कि जो कंपल्सरी वैक्सीनेशन है और इनोकुलेशन है ये वर्कर्स के लिए जरूरी है अगर कोई ऐसी डिजीज है कोई तो उस डिजीज के जो उस एरिया में फैली हुई है उस डिजीज से बचने के लिए जरूरी है कि वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाए उनको वैक्सीनेशन दी जाए और उनको इनोकुलेशन किया जाए जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस शख्स को जो है वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वैक्सीन दी जा रही है ताकि ये इस डिजीज से बच सके तो ये तमाम वर्कर्स के लिए कंपलसरी है और ये ड्यूटी है बेसिकली फैक्ट्री के ऑनर की या फैक्ट्री के ऑकोपायर की या मैनेजर दी मैनेजर की एज ए केस भी भी सेक्शन ट्वेंटी फोर जो है ये बताता है कि जो रूल्स हैं कैंटीन से मतलब ये प्रिस्क्राइब करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है जहां टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्कर्स से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे किसी फैक्ट्री में टू वर्कर्स वर्कर्स या उससे ज्यादा काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में तो जरूरी है कि उनके लिए एक एडिक्वेट कैंटीन बनाई जाए एडिक्वेट सफ़िशिएंट एक कैंटीन हो जहाँ पे सफ़िशिएंट स्पेस हो उन वर्कर्स के बैठने के लिए और उनको फेसिलिटेट किए जाने के लिए तो 250 वर्कर्स से ज्यादा जहाँ पे वर्कर्स होंगे वहां कैंटीन जरूरी होगी सेक्शन 24 ए वेलफेयर ऑफिसर से मतलब 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं किसी फैक्ट्री में या उनको एवरेज उनके निकलती 500 या 500 से है एक साल में 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि वहां पे एक ऐसे शख्स को डिप्यूट किया जाए अपॉइंट किया जाए जिसे वेलफेयर ऑफिसर कहा जाएगा उसकी मेन ड्यूटी क्या है उसकी मेन ड्यूटी यह है कि जो तमाम स्टेचुटरी राइट्स हैं और बेनिफिट्स हैं वर्कर्स को जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, देखा जाएगा कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं तो लेबर लॉ की एप्लीकेशन के हवाले से वेलफेयर ऑफिसर को बेसिकली अपॉइंट किया जाएगा और उनकी जो कंडीशंस हैं वर्किंग की वो एग्जामिन करेगा वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 25 जो है ये प्रिकॉशनरी मेजर्स बताता है फायर के दौरान अगर किसी फैक्ट्री या फैक्ट्री एरिया में या फैक्ट्री के प्रेमिस में या फैक्ट्री की किसी मशीनरी में खुदा न खादा आग लग जाती है या कोई इस तरह का मामला होता है उस सूरत में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो एडोप्ट किए जाएंगे तो सेक्शन 25 उससे मतलब जो है वो डिस्कस करता है और यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसे डोर्स होंगे जो कि ओपन किए जाएंगे उस दौरान जब कोई एमरजेंसी हो आपने देखा होगा कि कुछ बसेस में या मेट्रो में कुछ एमरजेंसी डोर्स होते हैं कि इनकेस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर मेन गेट नहीं ओपन होता तो उस डोर से जो है या उस विंडो से जो है वो लोग बाहर निकल के अपनी जान बचा सकें इसी तरह फैक्ट्री में भी ऐसे एमरजेंसी डोर्स और एमरजेंसी विंडोज वगैरह लाजमी तौर पर रखी जाएंगी

असला तैयार हो रहा है या कोई ऐसी चीज तैयार हो रही है कि जहाँ पे खतरा ज्यादा हैं कोई ऑयल का काम हो रहा है या कोई ऑयल रिफाइनरी हो रही है या कोई स्नोत का काम है जहाँ पे वो एक्सप्लोजिव है या इनफ्लेमेबल है जिसको आग जल्दी पकड़ सकती है उस सूरत में जरूरी है कि स्केप के जो वेज हैं वो बताए जाए कम्युनिकेट किए जाए उन वर्कर्स को कि अगर आग लग जाती है तो आग लगने की सूरत में वो कैसे वहां से स्केप करेंगे वहां से कैसे फरार होंगे कैसे अपनी जानों को बचा सकेंगे ऐसी ट्रेनिंग जो है वो बकायदा तौर पे ऐसे वर्कर्स को दी जानी लाजमी है इसी तरह कुछ रूल्स जो हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी फैक्ट्री के लिए या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज के लिए यानी जो वर्कर्स की क्लास है उनके लिए और उन्हें स्केप करने के जो हैं वो तरीके बताए जाएंगे और उनको गाइड किया जाएगा ट्रेन किया जाएगा ताकि वो फायर फाइटिंग जो अपरेट है वो उनको भी यूज कर सकें जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं ये फायर फाइटिंग अप्रेटर्स को यूज कर सके वो कॉशंस यहाँ पे बताया जाए एमरजेंसी एग्जिट अगर है तो एमरजेंसी एग्जिट के बारे में जो है उनको गाइड किया जाए अगर फैक्ट्री में खुदा न खास्तर कभी कोई आग लग जाती है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ है, है। मसलन अगर कोई मशीनरी ऐसी है जो खतरनाक हो सकती है या जिससे कोई नुकसान पहुंच सकता है उस सूरत में जरूरी है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो फेंसिंग की जाए उसके इर्द गिर्द जाली लगा दी जाए जैसा कि ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मशीनरी है उस मशीनरी के बाहर जो है ना प्रॉपर फेंसिंग है कि मशीनरी को जब आप रन करते हैं ऑन करते हैं मशीन रन होती है उस दौरान जो आउटसाइडर लोग हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे वो इसे महफूज रह सके उसके लिए जरूरी है कि मशीनरी के इर्द गिर्द जो है वो फेंसिंग की जाए और जो वर्कर्स हैं, उनको इसके नुकसान से बचाया जा सके सेक्शन 27 जो है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन जो लोग मशीनरी पे काम करने के लिए डिप्यूट किए गए हैं या अपॉइंट किए गए हैं और उस मशीनरी पे काम करने के लिए एक्सपर्ट भी हैं उनके लिए भी प्रिकॉशन हैं एक्सपर्ट होने के बावजूद कि वो जब भी काम करें कोशिश करें कि जो मशीनरी इन मोशन है मशीन जो है वो इस वक्त वर्किंग में है तो जरूरी है कि उसके जो मशीनरी के पार्ट्स हैं उनको एग्जामिन किया जाए जो इन मोशन है और ये कोशिश की जाए कि जब मशीन ऑन हो तो ये काम ना किए जाए मसल कौन से काम ना किए जाए उनको माउंट ना किया जाए बेल्ट वगैरह उसकी मशीनरी की चेंज ना किए जाए लुब्रिकेट ना किया जाए मशीनरी को या कोई और ऑपरेशन जो है वो मशीनरी के साथ ना किया जाए जब मशीनरी इन मोशन एक बात और दूसरी बात यह है कि जब भी मशीनरी पे काम किया जाए तो जरूरी है कि वो काम ऐसे लोग करें जो स्पेशली हैं स्पेशली ट्रेंड एडल्ट मेल वर्कर्स हैं और वो मेल वर्कर्स पहनते हैं टाइट फिटिंग क्लॉथिंग ये बात जरूरी है वरना अगर ढीले ढाले कपड़े पहने जाएंगे वर्किंग के दौरान और मशीनरी इन मोशन है तो उन कपड़ों की वजह से नुकसान हो सकता है अगर वो मशीनरी में फंस जाते हैं तो काफी इंजरीज जो हैं वो कॉज हो सकते हैं अब यहाँ रेड कलर में टेक्स्ट को बोल्ड करके कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे लिखे हुए ताकि उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सकें नो वुमन और चाइल्ड मे बी अलाउड इन एनी फैक्ट्री टू क्लीन लुब्रिकेट

टू वर्कवीन मूविंग के पास जो है वो काम करने की कथन इजाजत नहीं होगी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सेक्शन ट्वेंटी नो चाइल्ड और

बचा जाए जो कॉज हो सकते हैं अगर आप इसके करीब होके बेहतियाती के साथ काम करते हैं या उसके जो पुली है वो लूज हो जाती है उस सूरत में या उसके जो बेल्ट है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है तो उस सूरत में नुकसान पहुंच सकता है इसके लिए एहतियात करना जरूरी है और पुलिस को फास्ट करना जो है उसके बेल्ट को जो है प्रॉपर तरीके से फास्टन करना ये चीज जरूरी है सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए सेक्शन 30 और इसमें जो डिस्कस किया गया उसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिस्कस कर लें ये टेक्स्ट बोल्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 18 इंचेस फ्रॉम एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द मशीन इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है कि जो भी मशीनरी सेल्फ एक्टिंग मशीनरी है यानी वो ऑटोमेटिकली रन हो रही है उससे 18 इंच फासले पे रहना जो है वो जरूरी है अगर 18 इंच का फासला नहीं रखा जाएगा तो ऐसी मशीनरी से हो सकता है कि कोई नुकसान पहुंच जाए वर्कर्स को यहाँ पे 18 इंच का जो डिस्टेंस है ये रखना जरूरी समझा जाएगा अब नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं आगे जो कि सेक्शन थर्टी वन से रेलिमेंट होगी Casing of new machinery. In all machinery driven by power and installed in any factory, every set screw, belt, or key on any revolving shaft, spindle, wheel, or pinion must be so sunk, encased, or otherwise effectively guarded as to prevent danger. यानी जो भी ये हमने इंस्ट्रूमेंट्स जिनका जिक्र किया है कोई सेट है बेल्ट है या कोई रिवॉल्व होने वाली कोई ऐसे शाफ्ट है, या है, या स्पिंडल या व्हील है ये कंपोनेंट्स जिस मशीनरी में होंगे उसके लिए जरूरी है कि उसको प्रॉपर कवर किया गया हो ये तमाम नजर नहीं आने चाहिए सादा लफ्जों में अगर देखा जाए तो ये नजर नहीं आने चाहिए ये तमाम चीजें कवर हो प्रॉपर केसिंग में सेक्शन 32 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स नो वुमेन और चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन व्हिच अ कॉटन ओपनर इज एट वर्क तो किसी भी फैक्ट्री में उस हिस्से में किसी भी वुमेन या चाइल्ड ये बात जरूरी है वुमेन या चाइल्ड को वहां पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा डिप्यूट नहीं किया जाएगा जहाँ पे कॉटन ओपनिंग का जो कॉटन ओपनर है वो काम हो रहा है जैसा कि की तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब कॉटन जो है वो निकाली जाती है उस वक्त इसके जो रेशे हैं ये सांस के नाले में जाके काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं फेफड़ों को तो ये पाबंदी है कि वुमेन और चाइल्ड जो हैं वो इस एरिया में काम नहीं करेंगे सेक्शन थर्टी थ्री जो ग्रेन्स होती हैं उनसे है, और लिफ्टिंग मशीनरी उससे मुतल सेफ के लिए बताता है उसके सेफ गार्ड के मेजर्स बताता है जैसा कि तस्वीर में ये आप देख रहे हैं डिफरेंट क्रेन है ये भी क्रेन है इसके साथ ये भी क्रेन है ये लिफ्टिंग मशीन यहाँ से सामान नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा सकता है कंस्ट्रक्शन के दौरान जब किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, है, होती है आप देखते हैं वहां पे क्रेन्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं और क्रेन्स के जरिए सामान जो है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंचाया जा सकता है तो उसके प्रीकॉशन मेजर्स जो हैं हैं वो किए जाने भी जरूरी इसी तरह सेक्शन थर्टी थ्री डी जो है वो फ्लोर्स स्टेयर्स और मीन ऑफ एक्सेस के बारे में बताता है कि जो भी फैक्ट्री एरिया में जो है वो जहाँ पे स्टेप हैं लैडर्स हैं गेंग वेस हैं वो प्रॉपर जो है वहां पे प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं उनको अडोप्ट किया जाना जरूरी है और उसमें मेन चीज जो है वो है इंश्योर करना सेफ्टी को ये बात जरूरी है कि वो सेफ है मसलन अगर स्टेयर्स हैं खुश को चाहिए ये ना को गीलियों और कोई फिसल के गिर जाए या फ्लोर उसका प्रॉपर ध्यान ना रखा जाए और लोग वहां से फिसल के गिर जाए तो ऐसे जो है वो एहतियाती तदाबीर एडोप्ट करनी चाहिए कि वर्कर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे सेक्शन 33 ई e में पिट्स सम ओपनिंग इन फ्लोर्स का जिक्र है कि अगर कोई ऐसी जगह है किसी फैक्ट्री एरिया में या फैक्ट्री परमिसेस में जिसको कवर किया जाना जरूरी है वरना लोग वहां से वहां गिर सकते हैं गिर के नुकसान हो सकता है उनको तो उसको कवर किया जाना जरूरी है अगर वो कवर नहीं किया जाएगा तो उससे फैक्ट्री का हो सकता है किसी एम्प्लॉई को कोई नुकसान पहुंचे जो कि ठीक नहीं है नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 33 एफ एक्सेसिव वेट्स के बारे में किसी शख्स को उसके जो इस्ततात है उसके जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा वजन उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसे ज्यादा वजन उठाने से हो सकता है कि उसको कोई इंजरी कॉज हो उसको कोई नुकसान पहुंचे और इस नुकसान का जिम्मेदार जो है वो फैक्ट्री का ओनर होगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये ऐसे रूल्स बना सकती है जिसमें मैक्सिमम वेट्स जो है वो बता दे कि कितनी एज ग्रुप के लोग कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं उसमें एडल्ट एडल्ट मैन आ सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन इन तमाम के लिए जो है डिफरेंट जो वेट की कैटेगरीज हैं वो प्रेस्क्राइब कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करने के बाद सेक्शन थर्टी थ्री जी जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ आई से रेलिवेंट है फैक्ट्री एरिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे आई को अपनी आइज को जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है अदरवाइज उनको उस काम के दौरान उनकी काफी इन्फेक्ट हो सकती हैं उस काम की वजह से असन ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स वेल्डिंग कर रहा है और उसने प्रॉपर गूगल्स पहने हुए या ऐसे प्रिकॉशन मेजर्स लिए जिससे अपनी आइज को वो प्रोटेक्ट कर रहा है इसी तरह यहाँ पे एक तस्वीर में आप देखें कि एक शख्स जो है कोई वर्किंग कर रहा है डिजिटल डिवाइस पे और अपनी आंखों को बचाने के लिए उसने गूगल्स पहने और यहाँ पे एक बात और आप ऑब्जर्व करें होंगे ना सिर्फ उसने गूगल्स पहने बल्कि उसने ये हेलमेट भी पहना हुआ है उसके पास और भी उसके ड्रेसिंग आप देख सकते हैं इस तरह की है कि जहा जिससे ये इम्कान होता है इम्कान हो सकता है कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडोप्ट करके सेफ अंदाज में काम कर रहे एक फैक्ट्री एरिया में उसने ग्लव्स भी पहने हुए ये भी आप ऑब्जर्व करें ये तमाम चीजें जो हैं ये जरूरी होती हैं सेक्शन 33 एच में हम देखते हैं ये रिलेवेंट है पावर्स टू एक्वायर स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफेक्ट डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी जो इंस्पेक्टर डिपूट किए गए हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करते हैं फैक्ट्री एक्ट के तहत जो इंस्पेक्टेड डिपूट किया जाता है उसकी ड्यूटी है कि वो एग्जामिन करे फैक्ट्री के मुख्त मामला को देखे की जो फैक्ट्री में कंडीशन है वर्किंग कंडीशन क्या वो ऐसी तो नहीं जहाँ पे कोई खतरा हो किसी ह्यूमन लाइफ को या सेफ्टी के हवाले से कोई ऐसा इशू हो जो कि अडोप्ट किया जाना चाहिए था और उस फैक्ट्री में अडोप्ट नहीं किया गया उसमें इंस्पेक्टर साहब ऑर्डर कर सकते हैं मैनेजर को कि वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन दें जो इंडिकेट करती हूँ कि जो बिल्डिंग है वो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल सेफ है और उस फैक्ट्री की बिल्डिंग से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता ये चीज जरूरी है इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो ऐसे मेजर्स को ना सिर्फ अडोप्ट करने के लिए फैक्ट्री को जो ओको पार उसको कहे बल्कि उससे इंफॉर्मेशन भी वो हासिल कर सकते हैं सेक्शन थर्टी थ्री आई ये सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रेलिवेंट है कि जब भी किसी बिल्डिंग की सेफ्टी का ध्यान रखा जाना जरूरी है मशीनरी का सेफ होना भी जरूरी है अगर मशीनरी में कोई ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से किसी वर्कर को नुकसान सकता है तो ये भी गलत है और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है क्या वो सेफ मैनर में अडॉप्ट किया जा रहा है यानी इन मामला का ख्याल रखा जाना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस सूरत में इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं एग्जामिन कर सकते हैं रेलिवेंट फैक्ट्री को और उसको इवन बंद करने के लिए भी कहा जा सकता है अगर वो सेफ नहीं है वर्कर्स के लिए यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है सेक्शन 33 के में हम देखते हैं प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस किया गया अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स नो पर्सन मे एंटर और बी परमिटेड टू एंटर एनी चैम्बर टैंक वेट पिट पाइप फ्लू धुआं है किसी भी वर्कर को जाने की इजाजत नहीं होगी और अगर कोई वर्कर उसको काम करने के लिए वहां पे मजबूर किया जाता है फैक्ट्री के मैनेजर या फैक्ट्री के ओकोपर की जानेब से तो उस सूरत में इंस्पेक्टर जो है वो एक्शन ले सकते हैं उस फैक्ट्री के ऑक्यूपायर के अगेंस्ट नेक्स्ट सेक्शन 33 एल है एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट और गैस ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर्स शल बी टेकन टू प्रिवेंट एनी सच एक्सप्लोजन अगर कोई गैस है या डस्ट है जिससे कोई धमाका हो सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं तो ऐसे एरिया में जो है वो वर्कर्स को जाने से रोका जाएगा और प्रीकॉशनरी मेजर्स करने के लिए कहा जाएगा जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया अगर फ्यूम है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा धुआं है फिर भी वहां पे काम करना जरूरी अगर हो तो ये प्रिकॉशन मेजर्स आप देख रहे हैं ये अडोप्ट किए जाना जरूरी है जैसा कि देखिए इन्होंने मास्क पहना हुआ है प्रॉपर तरीके से और मास्क भी जो है वो एक रेलीवेंट है इसमें ऑक्सीजन का भी इशू नहीं हो सकता और सेकेंडली आप देखें कि उन्होंने ये हेलमेट पहना और हेलमेट के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये गोकल्स हैं। ऐसे प्रीकॉशन मेजर्स करके जो है ये फैक्ट्री के वर्कर्स को काम करने के लिए भेजा जा सकता है अदरवाइज अगर ये मेजर्स नहीं किए जाते तो वर्कर्स को नुकसान पहुंच सकता है सेक्शन थर्टी थ्री एम जो है ये बताता है, कि जो है वो कौन से काम नहीं कर सकते

सेक्शन 33 एन जो है ये नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट से रेलेवेंट है कि इसमें ये कहा गया है कि वेयर इन एनी फैक्ट्री एन एक्सीडेंट अकर्स व्हिच कॉजेस डेथ और व्हिच कॉजेस एनी बॉडीली इंजरी वेयर बाय एनी पर्सन इंजर्ड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिज्यूमिंग हिज वर्क इन द फैक्ट्री डिंगज होता, होता है उसके फोर्टी एट आवर्स के दौरान मैनेजर जो है फैक्ट्री का उसके लिए जरूरी है कि वो एक नोटिस भेजे ऐसी अथॉरिटीज को और ऐसी शक्ल में और उस टाइम में जैसा कि प्रिस्क्राइब किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यानी एक्सीडेंट के अगर कोई वर्कर को कोई इंजरी कॉज होती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है फैक्ट्री में कोई ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है मसला बन जाता है तो विद इन विद इन 48 आवर्स ये ओकोपर की ड्यूटी होगी कि वो जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनको नोटिस भेज के इसके बारे में बताएं किस शक्ल में बताएंगे वो फॉर्म जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उस फॉर्म में बताए उस शक्ल में बताए किस टाइम बताया जाए जिस टाइम को प्रिस्क्राइब करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए ये इसी तरह सेक्शन थर्टी थ्री क्यू जो है वो एडिशनल पावर्स के बारे में डिस्कस करतेडिशनल जो पावर्स है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जिसको वो एक्सरसाइज करके ये फर्दर जो है वो मेजर्स अडोप्ट करने के लिए कह सकती है जैसा कि 150 वर्कर्स से ज्यादा अगर काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में तो जरूरी है कि वहां पे उनको आराम के लिए कोई ऐसी जगह मुकर की जाए जैसा कि इसमें तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये वर्कर्स हैं जो कि थकावट के बाद यहाँ पे एक खास एरिया में जो उनके लिए मखसूस किया गया वहाँ पे ये वर्कर्स आराम कर रहे हैं आराम करने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो जरूरी है वर्कर्स के लिए उनके रेस्ट के लिए सेकेंडली रूम्स फॉर चिल्ड्रन जहाँ पे 50 वेमेन वर्कर्स से ज्यादा वेमेन काम कर रही हैं अगर उनके कोई छोटे बच्चे हैं उनके साथ तो वो उनको साथ लेकर आना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए एक कमरा एक रूम रिजर्व किया जाएगा जहाँ पे Under the age of years, बच्चे पे सिर्फ बच्चे होंगे बच्चों के जो अटेंड करने वाले हैं वो होंगे और बच्चों के जो मदरस हैं सिर्फ वो होंगे इसके अलावा वहां पे किसी को जाने की इजाजत आमतौर पर नहीं होगी नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी तो किसी भी फैक्ट्री में के लिए जरूरी है कि उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी होना चाहिए और जब तक सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है कि फैक्ट्री फिट है काम करने के लिए उसके मशीनरी के हवाले से और उस डिफरेंट मेजर्स के हवाले से तब तक वो फैक्ट्री जो है वो काम नहीं कर सकती तो ये जो सर्टिफिकेट है ये इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा इसी तरह जो खतरनाक हजार ऑपरेशंस हैं परमिशन uh, गवर्नमेंट अगर समझती है कि किसी फैक्ट्री में ऐसे मामलाते हैं कि कोई सीरियस रिस्क हो सकता है या बॉडीली इंजरी हो सकती है किसी को पॉइजनिंग हो सकती है डिजीज हो सकती है तो इसके लिए वो रूल्स फ्रेम कर सकती है जहाँ पे वो डिक्लेयर करेगी कि फल फैक्ट्री एरिया या फिलहान प्राइमसिस जो है वो हाजिर के वाले से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते वुमेन को कि वुमेन वहाँ पे काम ना करें एडोलसेंट्स ना काम करें चिल्ड्रेन ना काम करें उस स्पेसिफिक फैक्ट्री में इसी तरह वो मेडिकल एग्जामिनेशन के हवाले से रूल्स फ्रेम कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोहिबिट कर सकती है ऐसे एम्प्लॉयमेंट को जब तक कि वो सर्टिफाई uh, नहीं होते कि वो फिट हैं काम करने के लिए तो ऐसे लोगों को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो कि उस काम के लिए फिट ना है इसके लिए वो रूल्स फ्रेम कर सकती हैं एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसी तरह जो प्रोटेक्शन है तमाम एम्प्लॉयर्स की तमाम एम्प्लॉयज के जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं उनके लिए रूल्स फ्रेम कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर वो समझते कि वो हाजर जो ऑपरेशन है परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि वो कर रहे हैं ऐसा काम जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है ये अब